पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ आपको ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशली फॉर बैंक एग्जाम्स इस टॉपिक के आपके बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बैंक्स के प्री और मेंस दोनों में कवर करता है प्री में छोटे क्वेश्चंस होते हैं और मेंस में इस पर डी आई बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बैंक एग्जाम एंड एज वेल एज दिस से सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस अब बात करते हैं जो टाइम और डिस्टेंस है उसके सब पार्ट क्या क्या होते हैं और टाइम एंड डिस्टेंस हमको एक्चुअली में क्या निकालना होता है तो टाइम और डिस्टेंस जो है उसके सब पार्ट सबसे पहले हमको टाइम एंड डिस्टेंस दिया है हमको स्पीड निकालना है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसमें कोई भी एक मोमेंट है या वो मूव कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अब वो क्या हो सकता है बस हो सकता है कार हो सकता है ट्रक हो सकता है मैन हो सकता है कोई भी हो सकता है उसके बाद जो हमारा सेकेंड सब टॉपिक आता है दिस तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन ये टाइम और डिस्टेंस में ही कवर होता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन कैसे हो सकता है कि एक कोई ट्रेन है उसने दूसरी ट्रेन को क्रॉस किया तो कितने टाइम में क्रॉस किया उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी किसी एक की ट्रेन की स्पीड दी है दूसरे की नहीं दी है सेकेंड जब ये स्पेशली क्रॉस करती है किसी भी टेलीफोन बूथ को मीन्स एक पोल को टेलीफोन पोल को क्रॉस करती है मैन को क्रॉस कर सकती है अब जब वो मैन को क्रॉस करती है उसमें दो कंडीशन बन सकती है मैन की भी कुछ स्पीड हो सकती है या फिर मैन जो है हो सकता है वो उस टाइम पे स्टेशनरी पोजिशन में हो ये दो चीज़ें हो सकती हैं टनल प्लेटफॉर्म मीन्स जो ट्रेन है बेसिकली क्रॉस किसको कर रही है उसके रिस्पेक्ट में हमको कोई भी एक स्पीड डिस्टेंस टाइम जो भी निकालना हो जो मेन जो हमारे रहेंगे इन तीनों में से किसी एक को निकालना हो थर्ड सब टॉपिक जो हमारा आता है ये आता है हमारा बोट एंड स्ट्रीम अब बोट एंड स्ट्रीम क्या होता है जैसे हमारी ये रिवर है

अपवर्ड होगी दूसरा ये डाउनवर्ड होगी डाउनवर्ड कब होगी जब जो हमारी बोट है वो और जो हमारा स्ट्रीम का स्पीड है वो सेम डायरेक्शन में है अपवर्ड कब होंगे जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या होगा जो बोट एंड स्ट्री में ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है तो इसको मैं अलग क्लास में समझाऊंगी बाकी टाइम एंड जो डिस्टेंस है और जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन है ये अलग क्लास में समझाने वाली आज मैं बेसिक्स लेने वाली हूँ कि जो हमारे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं बस लेने वाली हूँ कि क्या क्या आने वाला है फर्स्ट हमारा जो आएगा फॉर्मूला आएगा इसमें मैं एक बेसिक सा फॉर्मूला यूज करने वाली हूँ और मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि ये जो फॉर्मूला होता है ना इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं कोई भी आपको शॉर्ट ट्रिक्स नथिंग रिक्वायर्ड सिर्फ एक चीज याद रखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको बस ये याद रखना है इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है ये एक जो फॉर्मूला होता है ना मतलब ये कुछ हमेशा मैं इस बात पे पर डालती हूँ कि जो भी आप क्वेश्चन पढ़ो या कुछ पढ़ रहे हो कोई भी सब्जेक्ट स्पेशली मैथमेटिक्स इन सब सब्जेक्ट्स को जब भी आप पढ़ रहे हो ना ट्रिक्स की जगह जो बेसिक फॉर्मूले हैं ना उनसे जाओ बहुत हाँ ट्रिक्स काम में आती हैं जब आपको टाइम लेकिन आपको बेसिक फार्मूला हमेशा होना चाहिए पता तो जो यूनिवर्सल फार्मूले होते हैं हमारे जो बिल्कुल बेसिक फार्मूले हैं वो यदि आपको पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अब क्या दिया हुआ है जो हमारा टाइम है उसका या तो वो सेकेंड्स में होगा मीन्स वन सेकेंड टू सेकेंड थ्री सेकेंड और आई डोंट नो मिनट्स में भी हो सकता है और आर्स में भी हो सकता है ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अब बस हमको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जैसे हमको पता है सिक्सटी सेकेंड्स जो हमारे सिक्सटी सेकेंड्स हैं वो वन मिनट होते हैं सिक्सटी मिनट्स जो हैं हमारे वो हमारा वन आवर होता है ये इम्पोर्टेंट है तो ये हमको याद रखना पड़ेगा दूसरा हम आते हैं डिस्टेंस डिस्टेंस इसमें हमारी किस में मेजर होती है

मीटर पर सेकंड बनेगी या फिर किलोमीटर पर आर बनेगी ऐसे हमारा बनने वाला है सेकंड चीज आप यहाँ पे आएगी एक कन्वर्जन वाली बात आएगी तो हमको जो कन्वर्ट करना रहेगा कि कोई जैसे कुछ यदि हमको दिया हुआ है किलोमीटर में दिया हुआ है कि वो दिया हुआ है सपोज हमको दिया हुआ है 180 एटी किलोमीटर्स दिया हुआ है किसी भी कार की स्पीड जो है 180 एटी है थ्री सिक्सटी किलोमीटर्स है एनी थिंग ऐसे कुछ भी है अभी हमको नहीं पता कि कितनी स्पीड है वो कार की स्पीड है लेकिन जो टाइम दिया हुआ है वो सेकेंड्स में दिया हुआ है कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि वो कितने सेकेंड्स में इतना डिस्टेंस कवर करेगी ये हमको पूछा हुआ है तो हमको एक सेम यूनिट में जाना है तो हम क्या करेंगे जो 180 एट्टी किलोमीटर्स पर आर है उसको हम चेंज करेंगे किसमें मीटर पर सेकेंड में जब हम 180 एटी किलोमीटर पर आर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में तो हम कैसे चेंज करेंगे हम करेंगे फाइव बाई एटीन का मल्टीप्लाई करके 180 ये मल्टीप्लाई कर दिया फिफ्टी मीटर पर सेकेंड अब क्वेश्चन क्या दिया है कि सपोज बताओ कि वो बीस सेकेंड में कहा जाए कितना डिस्टेंस कवर करेगी तो अब जब हमारा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा स्पीड इन टू टाइम तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हजार, हजार मीटर आ जाएगा ये याद रखने मीटर पर से यदि किलोमीटर पर आर में जाना है हमको तो एटीन बाई फाइव और किलोमीटर पर आर से यदि मीटर पर सेकेंड से में जाना है तो फाइव बाई एटीन सेकेंड आती है इसमें अभी जो क्या है बेसिकली कॉन्सेप्ट दिख रही हूँ कि जो इस वाले जो सेशन है इसमें सिर्फ हम एक या दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको उन पर बात करने वाले हैं अब क्या होगा वेन टू कार्स आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन देन रिलेटिव स्पीड हमारी क्या होगी जब भी जैसे कोई कार है ये कार हमारी वन है और ये कार टू है अब इसकी हमको रिलेटिव स्पीड निकालना है और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो ये सपोज एक की स्पीड एक्स है दूसरे की स्पीड वाई है तो जब कोई ऑब्जेक्ट का मोशन जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो हमारी दोनों स्पीड्स का सम होती है एक्स प्लस वाई यही लिखा है मैंने वेन टू कार्स आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन देन रिलेटिव स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ कार वन प्लस स्पीड ऑफ कार टू अब सेम चीज हम क्या करेंगे कि हमारी जो कार वन है वो भी ईस्ट में जा रही है और कार भी हमारी ईस्ट में जा रही है और एक की स्पीड एक्स है और एक की स्पीड वाई है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी इन दिस केस बोथ आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन इनका स्पीड जो होगा ना वो डिफरेंस हो जाता है मतलब यहाँ पर मैंने लिखा है स्पीड ऑफ कार्बन माइनस स्पीड ऑफ कार कार्टू ये मान के लिखा गया है वो कि जो कार्बन की स्पीड है वो ज्यादा है कार टू से लेकिन ये होता है डिफरेंस ऑफ स्पीड वन और स्पीड टू मतलब जिसकी भी स्पीड ज्यादा है उसमें से कम वाले की स्पीड को माइनस कर देंगे ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है अब हमारा जो आज हम डिस्कस करने वाले फर्स्ट क्वेश्चन वेरी बेसिक क्वेश्चन सिर्फ इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है वेरी बेसिक क्वेश्चन स्पीड ऑफ कार इज नाइनटी किलोमीटर पर आर देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन टेन सेकेंड क्या दिया है कि एक कार है 90 किलोमीटर पर आर से चल रही है ये हमको क्या दी है स्पीड हो गई कार की हमको ये निकालना है टेन सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया सबसे पहला रूल चेंज क्योंकि हमको टेन सेकेंड्स में निकालना है सो किलोमीटर पर आर से चेंज करना है मतलब फाइव बाई एटीन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे फाइव बाई एटीन से मल्टीप्लाई करने के लिए फाइव टाइम्स ये हमारा क्या हो गया ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गई अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इन टू टाइम स्पीड हमारी ट्वेंटी फाइव है टाइम टेन सेकेंड है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस इक्वल टू ट्वेंटी फाइव टू टेन टू फिफ्टी मीटर्स कवर करेगी ये नेक्स्ट अब बात आती है एवरेज स्पीड की एवरेज स्पीड क्या होती है एवरेज स्पीड पे हम आते हैं कि जैसे मैं ट्रेवल कर रही हूँ कहा जा रही हूँ बनारस जा रही हूँ अब जब दिल्ली से मैं बनारस जाऊंगी तो उसमें क्या होगा कई बार हम मैं ऐसे जा रही हूँ बीस की स्पीड से जा रही हूँ फिर थोड़ी देर में तीस की स्पीड से जा रही हूँ फिर चालीस की स्पीड से जा रही हूँ तो जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये हमारा होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अब क्या हो एक चीज और हम बताते हैं कि जैसे कांस्टेंट है अब दिल्ली से बनारस तो हो क्या एवरेज स्पीड भी निकल गई मेरी अब हम कहीं भी जा रहे हैं हमको नहीं पता दिल्ली से नोएडा जा रहे हैं और नोएडा से फिर दिल्ली वापस आना है दो चीजें करनी है इस केस में क्या हुआ हमारा डिस्टेंस सेम हो गया हमारी सिर्फ स्पीड बदली है दोनों जगह कि एक बार हम एक स्पीड से जा रहे हैं दूसरी बार हम दूसरी स्पीड से आ रहे हैं जब हमने ये किया उस केस में क्या होगा कि हम लेंगे डी प्लस दी अपॉन टोटल टाइम एक जगह डी लगा ट्वेंटी प्लस डी अपॉन थर्टी तो इससे जो बनेगा टू डी इंटू ट्वेंटी इंटू थर्टी अपॉन ट्वेंटी इंटू थर्टी सॉरी प्लस एल के बाद थर्टी इससे जो फॉर्मूला बनता है ना इतना सब करने से अच्छा होता है कि व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट तो एवरेज स्पीड जो है हमारी व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट एवरेज स्पीड ये होगी मीन्स एवरेज स्पीड टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई ये हमारी एवरेज स्पीड होगी इस ऐसे ही तीन के लिए भी निकलेगी कि तीन जब है तब भी ऐसे ही निकलने वाली है नेक्स्ट वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब अब हम क्वेश्चन लेने वाले हैं वो मैंने एवरेज स्पीड का जो है वो क्लियर किया था ए दिल्ली टू श्रीनगर कोई भी एक कार है वो दिल्ली से श्रीनगर जा रही है उसने आधा टाइम लिया है जितना भी ट्रक ने लिया है और ट्रक ने क्या किया है ट्वेंटी आवर्स लिए है तो सपोज ट्रक ने हमारे कितना लिया ट्वेंटी आवर्स जब ट्रक ने ट्वेंटी लिए तो कार कितना लेगा टेन आवर्स क्योंकि इसमें क्लियरली दिया है वट इज द स्पीड ऑफ़ द ट्रक इफ स्पीड ऑफ द कार इज वन ट्वेंटी तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेंगे क्योंकि हमको स्पीड दिया है और टाइम भी दिया है तो हम इससे डिस्टेंस ही निकाल सकते हैं कार की स्पीड क्या है वन ट्वेंटी इन टू टेन टोटल ट्वेल्व हंड्रेड किलोमीटर्स कवर हो जाएंगे कहाँ से डेली से श्रीनगर ट्वेल्व हंड्रेड किलोमीटर्स यदि डेली से श्रीनगर है तो अब हमारे पास डिस्टेंस है और ट्रक के लिए टाइम दिया है तो हम स्पीड निकाल ही सकते हैं ट्रक की स्पीड क्या हो जाएगी ट्वेल्व हंड्रेड सिक्सटी किलोमीटर पर आर ये भी हो गया अब एक बात याद रखनी है ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था कि जब भी कभी डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट तो जो क्या होगा हमारा

नेक्स्ट क्वेश्चन ए मैन कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ ट्वेंटी किलोमीटर एक कोई मैन है उसने क्या किया हाफ ऑफ द डिस्टेंस दिया है मतलब किलोमीटर पर आर एंड रेस्ट विथ द थर्टी किलोमीटर पर आर मतलब क्या हुआ आधा डिस्टेंस उसने ट्वेंटी किलोमीटर पर आर से किया और आधा डिस्टेंस थर्टी किलोमीटर अभी मैंने जब एवरेज का वो फॉर्मूला बताया था कि जब भी डिस्टेंस कॉन्स्टेंट हो तो एवरेज स्पीड हमारी होती है ट्वीट इन टू एक्स इन वाई अपॉन एक्स प्लस वाई टू इंटू ट्वेंटी इंटू थर्टी अपॉन फिफ्टी ट्वेंटी फोर किलोमीटर पर आ थैंक यू आई होप आपको ये लाइसेंस पसंद आया होगा और आगे भी मैं इस तरीके के छोटे छोटे लाइसेंस आपको बनाने वाली हूं जिसमें मैं मैथ्स और रीजनिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सिखाने वाली हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत काम आएगा थैंक यू